बात करने वाले हैं जामिया मिलिया है इस्लामिया की जैसे कि आप बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे जामिया का स्पॉट एडमिशन स्पॉट एडमिशन तो जामिया ने फाइनली स्पॉट एडमिशन का नोटिस जारी कर दिया तो है तो आप देखते हैं कि क्या है तो आपको गूगल पर सर्च करना है जे एम आई डॉट सी ओ ई और जामिया का आइकन पे आके क्लिक कर देना वेबसाइट ओपन कर लेनी है वेबसाइट ओपन कर करते ही मैंने आपको पहले बताया था वो रेड कलर से स्क्रॉल होते हुए में ही पता चलेगा तो यहाँ पर आप देखिए एडमिशन नोटिस अगेंस्ट विकेंड सीड्स इन वेरियस प्रोग्राम्स आपको इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करके ये डाउनलोड कर लेना है पी डी एफ ये यहाँ पे नोटिस है देखिए देर आर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू वेरियस अकेडमिक प्रोग्राम्स इन जामिया मिलिया इस्लामिया बट दे कुड नॉट बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन डिस्पाइट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन विच दे हैव अप्लाइड the competent authority taking the matter into consideration has very kindly approved that such applicants must be offered admission in the programs where the seats are lying vacant for admission subject to their willingness and eligibility criteria in the state program a list of such programs for admission is being enclosed the applicants are hereby advised to exercise their option for this opportunity by using the applicant's login portal at www.jmicoe.in till थर्टीथ सेप्टेंबर तो यानी कि आपकी लास्ट डेट है ये करने की वो है थर्टीथ सेप्टेंबर और यहाँ पे यही बोला है कि जो बच्चे पूरा इनका कहने का मतलब यही है जिन्होंने फॉर्म भरे थे एंट्रेंस दिया था मार्क्स भी आए मगर उनका नहीं हो पाया एडमिशन तो <coughs> तो वो दोबारा से उन्हें एक चांस दे रहे हैं एडमिशन लेने का लेकिन तभी हो पाएगा जब आपका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खड़े उतरेंगे उस कोर्स के आ, ने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है उस पर ओके सो ये हैं प्रोग्राम कोर्सेस जो भी जिनके स्पॉट एडमिशन्स हैं नाइन्टीन कोर्सेज हैं और इनमें से एक भी बैचलर्स नहीं है तो जो बैचलर्स वाले हैं सॉरी फॉर देट और यहाँ पर सिर्फ मास्टर्स और पी डिप्लोमा है एम टेक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एम ए कंपेरेटिव रिलीजनस एम एस सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एम टेक नैनो टेक्नोलॉजी एम टेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एम एड स्पेशल एजुकेशन एम एस सी एलेक्ट्रॉनिक्स एम ए परशियन और एम ए संस्कृत एम ए संस्कृत में हमेशा ऐसे ही होता है पता नहीं क्यों पी जी एम बी ए संस्कृत में भी होता है बट इस बार बी ए संकृत का नहीं आया वरना उनका नाम भी होता है पीजी डिप्लोमा इन डा डिजास्टर मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ और स्पेस लॉ पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पीजी डिप्लोमा इन आयरनोलॉजी पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ पीजी डिप्लोमा इंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पी डिप्लोमा इन एक्टिंग पी जी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया एंड डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी तो ये उन्नीस कोर्सेज हैं जिनके लिए स्पॉट एडमिशन निकला है अब अगर हम बात करें पी, वापस जाएंगे वेबसाइट पे और अब हम देखें कि आपको कैसे करना है मतलब आपको स्पॉट एडमिशन में आपको आ, कैसे स्पॉट एडमिशन लेना है तो इसी के नीचे ये जो एडमिशन सेक्शन है जहाँ से आपने अपना फॉर्म फिल किया था ये वाला क्लिक है टू अप्लाई फॉर यू जी पी जी बी टेक इसी पर क्लिक करेंगे इसी इस पर क्लिक करते ही आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट साइन इन करना है क्योंकि वो बोल रहा है कि जामिया के पोर्टल पे ही है तो यहाँ पर ही होगा ठीक है साइन इन करना है आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के रिमेम्बर मी करके सबमिट कर देना है हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद सबमिट कर देने के बाद आपका इस तरह से ओपन होगा माय एप्लीकेशन रिव्यू फॉर्म एग्ज़ाम एडमिट कार्ड और ये फोर्थ ऑप्शन जो आ रहा है वो अप्लाई अदर कोर्स अप्लाई अदर कोर्स ठीक है तो ये आपका वैसे मैं बताऊं कि मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ बट आप अप्लाई अदर कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाकर अपन, अपना डी उसमें वो भरना होगा कोर्स नेम कोर्स सिर्फ वही ऑप्शन में दिखाएगा जिनके अभी लिस्ट मैंने दिखाई है वही नाइनटीन कोर्स आपको ऑप्शन में दिखाएगा उसमें से जिसमें भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके प्रोसीड करके प्रिंट का फिर एक ऑप्शन आएगा प्रिंट के लिए आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं लेकिन प्रिंट आप जाएंगे कि वेबसाइट से नहीं निकलवा सकते डायरेक्टली जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी तो आपको उसका स्क्रीन भी लेना है और स्क्रीनशॉट को जब भी आपका नेक्स्ट नोटिस आएगा नेक्स्ट नोटिस मतलब नेक्स्ट uh, नोटिस आएगा ये बताने के लिए कि अब आप एडमिशन के लिए आ सकते हैं अभी तक तो इन्होंने बोला है कि पोर्टल पे आप ये स्पॉट एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना थर्टीन सितंबर को जब एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपको वो स्क्रीन uh, शॉट दिखाना है जिससे ये प्रूव होगा कि हाँ कि आपने उस रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपका एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस के हिसाब से ही होगा मतलब uh, अगर uh, मान लीजिए एम ए संस्कृत में दस बच्चे पहुँचते हैं स्पॉट uh, एडमिशन के लिए तो ए जिसमें दस उन दस में से सबसे हाईएस्ट जिसका मेरिट आ रहा है उन सी को पहले सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ मतलब सीट दस बच्चे पहुँचते और सीट है uh, मान लीजिए सात ठीक है तो टॉप सेवन जिनके मेरिट्स आ रहे हैं टॉप सेवन ठीक है uh, जिसने जिसके सबसे ज़्यादा इनमें से सात दस लोगों में से सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे सात सात बच्चों को सेलेक्ट करेंगे वो और उनको एडमिशन दे देंगे तो इस तरह से होता है स्पॉट एडमिशन अब आपको नेक्स्ट इसके प्रोसीजर नेक्स्ट प्रिय प्रोसीजर करने के बाद नेक्स्ट नोटिस के लिए वेट करना है और उसके लिए आपको जामिया की वेबसाइट पे बने रहना है, और माई चैनल के साथ बने रहना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो थैंक